नमस्कार दोस्तों, न्यूज बकेट में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास, एक बार आपको फिर से गांव की चर्चा लेकर के मैं हाजिर हूं आपके सामने। और आज हम दिखाएंगे कि हरहुआ ब्लॉक के वाजिदपुर गांव की क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में जानेंगे। काफी लोग यहां पर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर प्रसाद यादव। अच्छा चाचा, ये बताएं कि इस गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं? इस गाँव में तो बहुत समस्या है। जैसे नाली है, नाला पानी के ना, वो पानी, अच्छा पानी नहीं आता है। अच्छा ये बताइए भैया कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं घर घर शौचालय, यहाँ शौचालय है क्या? घर घर शौचालय तो घर घर हो गया। अच्छा, आवास की क्या स्थिति है? आवास जिसके पास होने लायक था अगले प्रधानी में बना है, जो लोग बाकी हो गए तो इस प्रधानी में पास होगा तो बनेगा। चाचा अपना पर्चे देख बात हमारी आगे की तरीके का तो कैसे चला चाचा, घर का राशन पानी कैसे चला? वही घर से खेती बाड़ी से चला रहा हूँ। कैसे सरकार राशन वगैरह देती है? नहीं सरकार कैसा मिला था, पाँच किलो पाँच किलो पेट चलेगा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का सहयोग वगैरह मिलता है? विधायक आते हैं कि नहीं? नहीं आते। कभी कोई हालचाल नहीं लिया? कभी नहीं हालचाल। 2022 का चुनाव सर पर खड़ा है, तमाम तरीके के वादे और कवायदे शुरू हैं, तैयारियां भी चुनाव के जोरों पर हैं। लोगों से जानेंगे कि हाँ इस बार जो है लोगों का मिजाज क्या है। भैया अपना नाम बताएं। नंदलाल जी ये बताइए कि 2022 का चुनाव आने जा रहा है, क्या लगता है इस बार योगी सरकार बचेगी? योगी सरकार गई गई। क्या लगता है दावेदार कौन होगा मुख्यमंत्री पद का? अखिलेश ही। क्यों? वो विकास कर रहे हो, विकास के नाम पर, मतलब अखिलेश योगी जी का कार्यकाल नहीं है सही रहा क्या? नहीं। अच्छा तुम मोदी जी का कार्यकाल से खुश हैं? हाँ मोदी जी का कार्यकाल यो बारी ना हो पूरा, मतलब मोदी जी से खुश हैं, योगी जी से खुश नहीं है? इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? हाँ इस बार सत्ता परिवर्तन। भैया जन प्रतिनिधियों की समस्या यही है कि वो कभी लोगों से मिलते नहीं। आप और भी लोग बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। दिनेश जी ये बताइए कि अब की बार क्या लगता है किसकी सरकार? अखिलेश यादव की सरकार है। अखिलेश ही क्यों? लोगों की ज्यादातर युवाओं की अखिलेश ऐसा है कि जो धंधा पानी आदमी का चलता था वो भी पैक हो गया योगी जी के राज्य में। बाकियाँ देख रहे हैं सब प्राइवेट हो जा रही है। मान लीजिए कोविड काल चल रहा था तो थोड़ा रोजगार की समस्या हुई। हाँ तो बहुत समस्या हुई रोजगार से ही ना, आदमी जो धंधा बिजनेस करता था उसको तो एकदम चौपट हो गया। क्या लगता है अखिलेश यादव देंगे रोजगार? कैश क्यों नहीं देंगे, देते ही थे। इससे बढ़िया तो मायावती अखिलेश थे ना, साफ सुथरा बढ़ती थी, पुलिस में भर्ती होती थी, डॉक्टर होती थी, इसमें कॉफी होती हुई। अच्छे अच्छे लड़का जो है। चलिए और भी लोग हैं। चलिए भैया क्या नाम है आपका? युवा है आप? राजकुमार यादव। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, तैयारी। ये बताइए रोजगार को लेकर के क्या लगता है कि सरकार कहाँ तक सफल दिखी इस बार? रोजगार के माने में सरकार एकदम फेल है। फेल है? एकदम फेल है। कौन सी सरकार रोजगार दे पाएगी युवाओं को? अखिलेश यादव ही दे पाएंगे। एक अखिलेश ही विकल्प है? जी हाँ। तो उत्तर प्रदेश में जो चुनावी समीकरण को बदलता हुआ नजर आ रहा है इस बार, जहाँ पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी थी वहाँ अखिलेश के नारे लग रहे हैं। चाचा ये बताइए कि अखिलेश कितने सफल मुख्यमंत्री होंगे? अरे बहुत व्यवस्था अखिलेश देने की, 112 नंबर दे लेना, 112 के बाद तो एम्बुलेंस दे लेना, अगले बात आओ लड़कों का भर्ती कुल बड़ी कहीं इसमें होत का ये बताइए कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन बड़ा मायने रख रहा था, यहाँ पे सपा फेल हो गई। लोकसभा की बात करें, विधानसभा में इस बार अखिलेश का गठबंधन किससे करेंगे? गठबंधन नहीं करेंगे चापके, ये तो हमने चापकों के लिए आवन जाए। अच्छा इस बार जो है अखिलेश अकेले ही सरकार बना लेंगे? बनाएंगे भाजपा। चलिए फिलहाल गठबंधन की बात करें तो बाकी लोग भी बात करेंगे। चला इस बार सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर जी जो है सपा से गठबंधन कर रहे हैं, क्या लगता है कितना सफल होगा? कोई फाइनल तो हुआ नहीं, कोई फाइनल नहीं हुआ है। गर्मियाँ तो तेज है, सफल गठबंधन होगा वो? अच्छा चाचा ये बताइए कि इस बार क्या लगता है किसकी सरकार? अखिलेश यादव का सरकार। का है अखिलेश ही क्यों? अखिलेश इतना काम किए हैं कि कोई नहीं किया है, बच्चों को नौकरी सब कुछ दिया, ये जो है क्या किए
योगी जी तो योगी जी के कार्यकाल से खुश नहीं है आप? नहीं नहीं, योगी जी तक गैया गुरु गैया गुरु छोड़वा देना, खेती बाड़ी कुल चल जाता है, सब चल जाते हैं। कितना रात दिन घूरल जाए हमारे खेत, तो योगी जी ने पशुशाला वगैरह तो बनाया था उसकी, बनाए तो कोई वो देवे के चाहिए वही में मर जाते हैं, खाली गौशाला बना ले, गौशाला बना दी है वही में मरे होते हैं। विधानसभा के चुनाव में क्या लगता है, रोजगार मुद्दा होगा? हाँ रोजगार मुद्दा होगा, रोजगार ही मुद्दा होगा। चलिए तो फिलहाल जो 2022 का विधानसभा चुनाव है तो अगर यहाँ के लोगों की माने तो अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव जी हो सकते हैं। फिलहाल चुनावी समीकरण इस तरीके से बना रहेगा, हम आपको आगे भी इस प्रकार से चुनावी समीकरण से जुड़ी हुई खबरें दिखाते रहे। वो गरीबों को बने रहिए, तब तक हमारे साथ देखते रहिए न्यूज बकेट। बहुत बहुत धन्यवाद। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।